हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सूरज चंद्रवंशी। मैं आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप सबको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। आज आप सबको माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सोनी मैक्स, सेट मैक्स या कहा जाए तो मैक्स जो गूगल में इस तरह से जो चैनल चलता है, इसमें सूर्यवंशम आता है, ठीक है, उसी चैनल को लोगों में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस पेंट में ये हमारा 8वां वीडियो है, और इससे पहले के वीडियो कोई अगर नहीं देख पाए हैं तो उसके लिए मैं सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं एमएस पेंट में मैक्स का लोगो कैसे बनाया जाता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले विंडोज़ R प्रेस करके हम यहाँ पर MS Paint ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से सबसे पहले हम टेक्स्ट टूल को लेना है, A, यहाँ से लेके यहाँ पर ड्रैग करना है। बड़ा सा ड्रैग करेंगे क्योंकि मैक्स का जो लोगो बनाने वाला हूँ वो छोटा लोगो नहीं बनाने वाला हूँ, बड़ा ही लोगो बनाने वाला हूँ ताकि अच्छे से देख सकूँ। यहाँ से सबसे पहले यहाँ से एरियल ब्लैक लेना है। टेक्स्ट का जो स्टाइल होगा वो एरियल ब्लैक स्टाइल होगा, एरियल ब्लैक लेना है। उसके बाद साइज को लास्ट देखिए, लास्ट साइज 72 है, उसके आगे हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्लिक करके 72 के पास क्लिक करके हटा के यहाँ पर हम साइज बढ़ा सकते हैं। साइज बड़ा करने के बाद हमें क्या करना है, कलर लेना है। जैसे अब देखिए साइज बड़ा कर दिए, स्टाइल ले चुके हैं, कलर हो गया येलो। अभी देखिए, अभी यहाँ पर देखिए कर्सर जो आ रहा है, यहाँ बहुत बड़ा कर्सर आ रहा है। यहाँ पर कैप्स लॉक को ऑन करके एस लिखेंगे, बड़ा एस, कैपिटल एस, कैपिटल एस हो गया। अब यहाँ से होम में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे, पूरे को सिलेक्ट करके सेंटर में ले आते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, दूर से, यहाँ से इतना दूर से काफ़ी है, ऐसे सिलेक्ट किए और डिलीट कर दिए, यहाँ से डिलीट, कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अगला बार वहीं से करके दिखाते हैं, सेलेक्ट किए और यहाँ से डिलीट, यहाँ से नीचे से ऐसे डिलीट करना है ताकि ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग हो जाए। जैसे कि अभी देखिए, अभी यहाँ पर यहाँ से अगर डिलीट करते हैं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग नहीं हुआ है, फिर से डिलीट करते हैं, अब यहाँ पर ऐसे डिलीट करेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अलग हो जाएगा, अलग हो गया। अभी क्या करना है, ये तो कटिंग हो चुका है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसको थोड़ा शेप में कटिंग करना, थोड़ा सा तिरछा है, इधर से तिरछा है, इधर से तिरछा है, इधर से भी तिरछा है, तो सारे पोर्शन को करेक्ट वे में सीधा करना है। यहाँ से इसको कर देंगे सीधा, फिर इसको इस साइड से भी कीबोर्ड से डिलीट कर देते हैं, कीबोर्ड से डिलीट का बटन, ठीक है, हो गया सीधा। अब क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है और यहाँ से साइज मोटा ही रहने देता है, ब्लैक यहां से ऐसे करके बनाया, ठीक है। ऊपर में सोनी लिखना है तो इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है, और नीचे में मैक्स लिखना है तो मैक्स को भी थोड़ा नीचे कर देते हैं, उसके लिए दोनों जगह रख सकते हैं। अगर शेप को बाद में भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, अगर ऐसा बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको ऐसे करके चलें और बाद में शेप ऊपर से बनाएं तो भी वो भी बना सकते हैं। चलिए एक ऊपर से अलग से शेप बना के दिखाते हैं और नीचे वाला ऐसे ही रहने देते हैं, तब तो दोनों समझ में आ जाए। यहाँ से एक लाइन लेंगे, लाइन को एकदम यहाँ से बनाएंगे, बराबर से एकदम बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, कलर करना है, कलर रेड लेंगे, रेड यहाँ पर कर देंगे, ब्लैक नीचे कर देना है, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मैक्स, फिर से वही टूल लिए, टेक्स्ट टूल। अभी देखिए फिर से यहाँ पर हम कोशिश करते लिखने के लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि हम 350 इसका जो साइज दिए थे वो अभी भी 350 है, जो पहले दिए थे अभी भी है। तो क्या करते हैं, इसको कम कर लेते हैं, 350 से 35 कर देते हैं, छोटा हो चुका है। अब फिर से देखिए, फिर से ट्राई करेंगे, अब छोटा आएगा, यहाँ भी क्लिक करेंगे तो छोटा ही बनेगा अपने हिसाब से। और कम करना चाहें तो और कम कर सकते हैं,
30, ये और छोटा हो चुका है, अब देखिए और छोटा हो गया। ठीक है, अभी कलर ले लेते हैं येलो, यहाँ से लिखते हैं मैक्स, MAX, मैक्स। लिखने के बाद अभी देखिए, अभी भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है इसकी साइज से, साइज को और बढ़ा सकते हैं, यहां से 35 कर सकते हैं, 36 कर सकते हैं साइज को। अब देखिए इतना कुछ करने के बाद अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, अभी भी थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किए, यहां से बॉक्स को सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ज्यादा में थोड़ा खराब लगेगा। चलिए ये मैक्स का लोगो रेडी हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर में क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोनी लिखते हैं, सोनी लिखेंगे ब्लैक आउटलाइन, यहाँ पर हमें सोनी लिखना है। ब्लैक, अभी क्या करते हैं फिर से इसको लेते हैं, यहाँ पर हमको लिखना है सोनी। साइज काफी बड़ा है, साइज को छोटा कर लेते हैं, 36 या फिर 35, यहाँ पर लिखना है सोनी। तो कलर हो जाएगा वाइट, SONY, सोनी। इसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा, फॉन्ट स्टाइल कुछ दूसरा होगा इसमें, फॉन्ट स्टाइल इसमें होगा एग्नोई डिस्प्ले एलाइस, ये स्टाइल होगा सोनी का। ये हो चुका है, अभी ये एन और वाई सटा हुआ है, तो इसको भी हम लाइन बना के, अगर ब्लैक कलर का एक लाइन बना दें यहाँ पर तो ये ठीक हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये बन चुका है, अभी क्या करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे करके, सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ से फाइल में जाके सेव कर लेते हैं। चलिए ये हमारा लोगो रेडी हो चुका है। थैंक यू, थैंक, जय हिंद, जय भारत।